Welcome back, all the 12th science students. Here, the new topic, our next topic, next video about the sex determination in honeybees. Last period में हमने देखा कि sex determination humans में, birds में, अभी third जो है ये honeybees का है, बहुत ही interesting topic है ये भी. अभी after in humans. Birds and then honeybees. Here this mechanism is also called haplodiploid. बहुत ही खास इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है. यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन करने वाले कौन है, सेक्स जो डिसाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स. रिमेम्बर फर्स्ट ऑफ ऑल इन हनीबीज, जो हनीबीज रहते हैं उनमें क्वीन, वर्कर्स और ड्रोन, ये जो तीन कैटेगरी है इसमें, जिसको हम रानी माशी काम करने वाले, और ये ड्रोन जो है दीज आर मेल्स, दीज आर फॉर प्रोटेक्शन. क्वींस जो उनका काम है खाली एग्स देना वगैरह वगैरह. वर्कर्स काम करने वाले दी बोथ आर दी फीमेल्स. रिमेंबर दीज वर्कर्स आर स्टराइल, दे नॉट गिविंग एग्स. अभी हम इनका सेक्स डिटरमिनेशन देखेंगे. यहां पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन. इंटरेस्टिंग क्यों है यहां पे, तो यहां पे जो मेल जो है, मेल और फीमेल सेक्स डिटरमिनेशन में, मेल जो है दीज आर हैप्लोइड एंड फीमेल आर diploid, having two set of chromosomes, while male having only one set. Here mitosis occurs as it is n equal to 16. These are the gametes, sperms, male sperms. At the time of gamete formation, there is no meiosis because these are haploid. Here these are diploid. These are producing two sets, so two types of gametes because meiosis occurs here. N equal to 16. These are female gametes or ova. Then what happens? अभी क्या होने वाला है यहाँ पे fertilization में, हम देखेंगे. एक male gamete, एक female gamete के साथ fertilize हो गया. That is n equal to 32. That is females. ये females है और ये जो है ये as it is n equal to 16, जिसको हम male बोलते हैं. Male as it is. यहाँ पे without fertilization जो बोलते हैं हम, that is पार्थिनोजेनेसिस. ये जो एक प्रोसेस है पार्थिनोजेनेसिस, जहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस. सो हियर दीज आर एन इक्वल टू 16, यानी कि मेल, ये तुम्हारे मालूम है हमको. अभी यहां पे एन इक्वल टू, यहां पे जो मिल रहा है वो है फीमेल्स, वेदर इट इज क्वीन और वर्कर्स. रिमेंबर वर्कर्स आर स्टराइल, दे आर नॉट producing eggs, next generation. तो यहाँ पे अगर queen है तो queen का काम क्या है, eggs देना वगैरह वगैरह, जो हमको मालूम है. queen, workers, drone यानी कि male जो है. तो this type of mechanism found in honeybees, this type of mechanism is found in honeybees. Here the this type of mechanism is called haplodiploid. Haplodiploid mechanism, sex determination जिसको बोलते हम. So females are always diploid, males are haploid. So this is an interesting type of mechanism found in honeybees. Females में दो set जने जाते हैं, दो set है female में. So females are diploid and males are haploid. देन फीमेल्स के जो गैमेट्स है उसको हम ओवास बोलते हैं, मेल के फीमेल मेल के जो है वो स्पर्म्स बोलते हैं. तो डिप्लॉइड फीमेल गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू आइदर वर्क और क्वीन, आइदर वर्कर और क्वीन. एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू हैप्लॉइड मेल. जो हैप्लॉइड मेल है दैट इज अनफर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस, जो प्रोसेस है वहां पे हम देख सकते हैं. सो here the sex determination in human bees, honey bees, human bees, human being,
बर्ड्स एंड हनी बीज, तीन दिए वाले सिलेबस में। तो आउट ऑफ दिस थ्री ऑल द थ्रीज आर हेयर कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी द अनदर टॉपिक, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इन योर सिलेबस सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर गिवन हेयर, दैट लाइक थैलेसमिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक्सेट्रा। तो वो सिंड्रोम्स, सिंड्रोम यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो वो सिंड्रोम जो है वो डिसीजेस, जो जेनेटिक डिसीजेस है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। लास्ट जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो हियर वी विल फिनिश द सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन यहाँ इन ह्यूमन बींग्स, इन बर्ड्स एंड हनी बीज इज इन योर सिलेबस। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी वाली है, उसकी मदद से आप बैक के इसके पहले के जो वीडियोज है वो देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।